रंगों के त्योहार पर ये कैसी राजनीति, मर्यादा का ख्याल तक नहीं रखा गया। होलिका दहन में जलाई अखिलेश माया की तस्वीरें, स्थानीय बीजेपी नेता पर केस हुआ दर्ज। राजनीति में कोई किस हद तक गिर सकता है ये जानने के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। यही अपने ही देश में एक पार्टी का नोकल नेता राजनीति के चक्कर में ऐसी नेतागिरी कर गया कि उसे गिरफ्तार करना पड़ा उसकी हरकत के लिए। होली के त्योहार में जब रंगों में गिले शिकवे तक मिटा दिए जाते हैं, उस त्योहार को चुना उसने अपनी झूठी राजनीति दिखाने के लिए। होलिका दहन में बाराबंकी में भी वही माहौल था जो पूरे देश में था। हर्ष उल्लास और जात पात से दूर सब एक दूसरे को गले मिल रहे थे, तो ऐसे में राम बाबू द्विवेदी नाम के एक बीजेपी नेता ने होलिका दहन में सपा अध्यक्ष अखिलेश और बसपा सुप्रीमो मायावती की तस्वीरें भी आग के हवाले कर दी और अपनी इस हरकत को बुआ भतीजे की पौराणिक कहानी से भी जोड़ दिया। हरकत शर्मनाक थी, इसमें कोई शक नहीं। बात अखिलेश तक भी पहुंची तो उन्होंने ट्वीट पर लिख दिया कि ये तो बीजेपी की मानसिकता है, उसका चेहरा है। अखिलेश ने लिखा, बाराबंकी के इस होलिका दहन का संदेश स्पष्ट है, दलित व पिछड़े समाज को बीजेपी काल में वैसे ही दबाया जलाया जाएगा जैसा सदियों से हुआ है। बीते 5 वर्षों में दलित व पिछड़े वर्गों का अपमान और उनके साथ अन्याय ने हर सीमा पार कर दी है। अब वंचित वर्गों का आक्रोश भाजपा को जल्द दिखाई देगा। बीजेपी नेता की हरकत ओछी राजनीति के सिवा कुछ नहीं, उसके खिलाफ केस दर्ज हो गया है। लेकिन चुनावी माहौल में एक गलत संदेश पूरे किए किराए पर पानी फेर देता है, इस बात का अंदाजा हर दल और हर पार्टी को है।